हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, एमबीबीएस कोर्स के लिए एमसीआई ने कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स सब्जेक्ट और एग्जाम पैटर्न को रिवाइज्ड किया है। एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि कोर्स के ड्यूरेशन को 54 मंथ से घटाकर अभी 50 मंथ ही कर दिया है। ये जो नया करिकुलम है, ये करंट एकेडमिक ईयर यानी 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन्हीं के लिए वे आगे होने वाले एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। जो प्रीवियस ईयर से स्टडी कर रहे हैं, जैसे 2018, 17, 16 बैचेज पर ये लागू नहीं होगा, ये इसी साल से लागू कर दिया गया है। ये जो एमसीआई ने न्यू करिकुलम बनाया है, ये स्टूडेंट के फेवर में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईयर वाइज कोर्स ड्यूरेशन क्या है, ईयर वाइज सब्जेक्ट क्या रहेंगे और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम कब कब लगेगी। मैं आपको पूरा 2024 तक का एग्जाम शेड्यूल बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट व एमबीबीएस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, क्योंकि यूट्यूब पर आपको इस तरह के वीडियो नहीं मिलेंगे। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैटर की गहराई में जाकर सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल सार के साथ वीडियो बनाता हूँ, ताकि हर कोई समझ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि एग्जाम कब कब लगेगी और इंटर्नशिप कब होगी। तो एमबीबीएस कोर्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। थर्ड ईयर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसमें फर्स्ट ईयर का ड्यूरेशन है वो 13 मंथ्स है, सेकेंड ईयर का 11 मंथ्स है, थर्ड ईयर का 12 मंथ पार्ट 1 का है और 14 मंथ पार्ट 2 का है। टोटल 26 मंथ का थर्ड ईयर है। इसमें हम फर्स्ट ईयर का 13 मंथ का देखें तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त 2019 से, और इसमें 1 मंथ का फाउंडेशन कोर्स भी शामिल है। इसका जो कोर्स एंड होगा वो अगस्त 2020 तक हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी एग्जाम फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम लगेगी अगस्त 2020 में। इसके बाद सेकंड ईयर 11 महीने का है, इसमें सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा सितंबर 2020 से और कोर्स एंड हो जाएगा सितंबर 2021 को, और यूनिवर्सिटी एग्जाम जो सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम लगेगी वो सितंबर 2021 को लगेगी। इसके बाद में थर्ड ईयर पार्ट 1 12 मंथ का है, इसमें ये स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर 2021 से और कोर्स एंड होगा इसमें अक्टूबर 2022 को, और यूनिवर्सिटी एग्जाम थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1 की लगेगी अक्टूबर 2022 को। इसके बाद में नवंबर और दिसंबर 2022 में इलेक्टिव एंड स्किल्स एग्जाम्स होंगे इसमें। इसके बाद में पार्ट 2 थर्ड ईयर का 14 मंथ्स का है, ये स्टार्ट होगा जनवरी 2023 से और यूनिवर्सिटी एग्जाम जनवरी 2024 में लगेगी। यहाँ ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जनवरी 2024 में। इसके बाद इंटर्नशिप होगी 1 साल की, वो फरवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 या फिर मार्च 2025 तक होगी। तो ये है कोर्स का नया ड्यूरेशन। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो पुराना ड्यूरेशन होता था उसमें भी 3 ईयर्स में डिवाइड होता था, फर्स्ट ईयर उसमें 12 मंथ, सेकंड ईयर 18 मंथ और थर्ड ईयर के 2 पार्ट प्री फाइनल और फाइनल 12 मंथ के हुआ करते थे। तो अभी ये जो नया शेड्यूल है ये टोटल 50 मंथ्स का है, और पहले जो पुराना हुआ करता था वो 54 मंथ का हुआ करता था। अभी हम एमसीआई के न्यू करिकुलम के अनुसार सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज बात करें कि कौन से ईयर में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद में सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी रहेंगे। उसके बाद में थर्ड ईयर के पार्ट 1 में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सोलॉजी, ये जो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये पहले सेकेंड ईयर में हुआ करता था, लेकिन अभी इसको थर्ड ईयर के पार्ट 1 में ऐड कर दिया गया है। इसमें थर्ड ईयर के पार्ट 1 में 4 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी, और तीसरा सब्जेक्ट है इसमें ऑटोलैरिंजोलॉजी, और चौथा सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन।
इसके बाद में इसके पार्ट टू में फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है वो जनरल मेडिसिन है, दूसरा सब्जेक्ट जनरल सर्जरी है, तीसरा सब्जेक्ट है वो पेडिट्रिक्स है, और चौथा सब्जेक्ट है वो ओबेस्टिक एंड गायनोलॉजी। चार सब्जेक्ट हैं इसमें टोटल। तो इस प्रकार से ये ईयर वाइज सब्जेक्ट हैं एमबीबीएस के लिए न्यू एमसीआई करिकुलम के अनुसार। अभी हम न्यू एग्जाम पैटर्न देखें कि कितने पेपर होंगे, कौन कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, कौन से सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट ईयर एग्जाम की बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो एनाटॉमी के दो पेपर होंगे इसमें। थ्योरी का 200 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल ओआरऑल क्लिनिकल का 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद में पैथोलॉजी के भी दो पेपर होंगे इसमें, थ्योरी का 200 का होगा, प्रैक्टिकल का 100 का होगा इसमें। इसके बाद में बायोकेमिस्ट्री के भी दो पेपर होंगे, थ्योरी का 200 का होगा और प्रैक्टिकल का इसमें 100 मार्क्स का होगा। अब हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर की जो तीनों पेपर हैं वो इस प्रकार से होंगे। फार्माकोलॉजी का पेपर दो पेपर होंगे इसमें, थ्योरी का 200 का पेपर होगा, प्रैक्टिकल का इसमें 100 का होगा। इसके बाद पैथोलॉजी के टोटल दो पेपर होंगे, थ्योरी का 200 का होगा, प्रैक्टिकल का 100 मार्क्स का होगा। माइक्रोबायोलॉजी के भी दो पेपर होंगे, थ्योरी का 200 का होगा और प्रैक्टिकल का भी 100 मार्क्स का होगा इसमें। अब बात करें हम थर्ड ईयर के पार्ट वन एग्जाम की, तो इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सोलॉजी का एक पेपर होगा, थ्योरी का इसमें 100 मार्क्स होगा, प्रैक्टिकल का भी इसमें 100 मार्क्स होगा। इसके बाद में ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें इसमें, तो इसमें टोटल एक पेपर होगा, थ्योरी इसमें 100 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल इसमें 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद में ओटोलैरिंगोलॉजी की बात करें इसमें, तो एक पेपर होगा, थ्योरी इसमें 100 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा। कम्युनिटी मेडिसिन की बात करें तो टोटल दो पेपर होंगे इसमें, थ्योरी 200 मार्क्स की होगी और इसमें जो प्रैक्टिकल होगा वो 100 मार्क्स का होगा इसमें। इसके बाद में सेकेंड ईयर की बात करें, सॉरी थर्ड ईयर पार्ट टू की बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो इसमें जनरल मेडिसिन के दो पेपर होंगे, थ्योरी का 200 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल का भी 200 मार्क्स का होगा इसमें। जनरल सर्जरी का टोटल दो पेपर होंगे, 200 मार्क्स का थ्योरी होगा और 200 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होगा इसमें। इसके बाद में पेडिटिक्स की बात करें तो इसमें एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का थ्योरी होगा और 100 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होगा। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी की बात करें इसमें, तो दो पेपर होंगे इसमें, थ्योरी का 200 का होगा और प्रैक्टिकल का 200 मार्क्स का पेपर होगा। अभी जो एमबीबीएस कोर्स के दौरान एग्जाम होती हैं वो यूनिवर्सिटी द्वारा चार बार एग्जाम ली जाएगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के दोनों पार्ट वन और टू में। इसके अलावा कॉलेज भी इंटरनल असेसमेंट एग्जाम लेता है, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों पार्ट्स होते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपेयर होने के लिए इंटरनल असेसमेंट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, ये दोनों को मिला के 50% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% तो होना जरूरी है। जैसे थ्योरी में 40% हो तो प्रैक्टिकल में 60% होने से टोटल ये 50% मार्क्स एवरेज आ जाता है। तो 40% से ईच सब्जेक्ट में सेपरेटली 40% से कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में बैठने के लिए। इसके बाद में यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने के लिए 50% मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल में चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकल में क्लिनिकल और वाइवा इंक्लूड हैं। प्रैक्टिकल प्लस क्लिनिकल और वाइवा तीनों इंक्लूड हैं इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में हैं। जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ ग्रेड कार्ड में ही शो होंगे। इसके बाद में आपको 75% अटेंडेंस जरूरी है यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठने के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी एमसीआई के नए करिकुलम के बारे में। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको mciindia.org पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद में इंफॉर्मेशन डेस्क पर
जाने के बाद में फोर कॉलेजेस से आगे आपको यूजी करिकुलम मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।